prove that root 2, root 5, root 7 are irrational numbers. Hey guys, क्या आपको भी ये क्वेश्चन परेशान करता है कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, बहुत सारे जो रूट के अंदर रहता है उसको इरेशनल प्रूव करना है? दरअसल ये बेचारे हैं इरेशनल ही, लेकिन इसको प्रूव करना है। पता नहीं इसमें क्या चुल समाया हुआ है कि इसको ही प्रूव हमें करना है कि ये इरेशनल है। एक्चुअली में है क्या, इरेशनल ही है और इसको प्रूव भी करना है। तो आप डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते कि हाँ भाई ये इरेशनल है, इसको प्रूव करके आपको दिखाना है। तो इसी सवाल का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में देने वाले हैं, और आपको ये 10th क्लास वाले बच्चे के लिए बहुत ही रामबाण हो सकता है। अगर ये कंसेप्ट बात समझ में आ गया, ये कंसेप्ट अगर, तो क्या होगा, आप 3 नंबर तो सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि हर साल ये सवाल पूछता ही पूछता है, ठीक है, रूट प्रूव करने के लिए, रूट टू, रूट थ्री, ये सबको इरेशनल प्रूव करने के लिए। तो हे गाइस, मेरा नाम है जितारिया और आप देख रहे हैं रेडियस क्लासेस, योर सक्सेस इज आवर गोल। तो लेट्स स्टार्ट, आइए कैसे इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे सभी को एक बार नहीं लिख सकते, तो हम लोग इसमें से एक चूज कर लेते हैं, 5 को, ठीक है। तो रूट 5 को पहले प्रूव कर देते हैं, वैसा ही आपको बाकी सबको प्रूव करना है एज अ होमवर्क, ठीक है। तो आप अगर इसको सही से ढंग से समझ जाते हैं बच्चे, तो आप रूट वाला क्वेश्चंस बिल्कुल बना पाएंगे। 9th क्लास में भी ये पूछता है रूट टू, रूट थ्री, ये सबको प्रूव करना है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने का कोशिश कर रहा हूं, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं ना बच्चे। अब देखिए क्या लिखना है, प्रूव डैट इसमें लिखा हुआ है, तो मान लिया, इसमें मानना पड़ेगा। सॉरी, देखिए सोल्यूशन शुरू करते हैं, या तो प्रूफ लिख सकते हो आप, लेट इफ पॉसिबल लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर्स, है इरेशनल, मान रहे हैं रेशनल, पहले मान लेंगे रेशनल, ठीक है, उसको फिर देखेंगे कि रेशनल नहीं हो रहा है तो होगा क्या, रेशनल होगा। तो इफ पॉसिबल लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर विच इज, या तो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, where P and Q both are integers and Q equals to not zero। इतना लिख सकते हैं, यानी कि अगर रेशनल नंबर है तो ऐसा होना होगा कि नहीं होगा। या तो इसकी जगह पे कोई और भी लिख सकता है कि ये रेशनल नंबर्स मान लिए हैं और इसमें ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो देखिए ध्यान देना वाला बात क्या है, P और Q जो है वो आपका को प्राइम्स नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, तो इसको लिख सकते हैं कि पी एंड क्यू आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन जीरो, नो कॉमन फैक्टर अदर देन जीरो, सॉरी अदर देन वन, जीरो नहीं यार। तो यहां पे ये लाइन आपको लिख लेना, रट लेना आपको, ठीक है, क्या रटना है, इफ पॉसिबल लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इक्वल्स टू नॉट जीरो, पी एंड क्यू आर सिंपलेस्ट फॉर्म, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, एक से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकता एक के अलावा। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर सोल्व करने के लिए बच्चे यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट टू को लिख सकते हैं पी वाई क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट टू ही को कर रहे हैं, सॉरी 5 बोले थे, 2 को कर रहे हैं। अब यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा और यह पी वाई क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से बनेगा बच्चे 2 बन जाएगा और इधर p स्क्वायर बाय q स्क्वायर होगा।
इस वाले बंदे को इधर ला दो, 2q 2 2 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि जो 2 है बच्चे वो आपका p स्क्वायर का क्या है, फैक्टर है। तो यहां से बोल सकते हैं हेयर क्लियरली 2 इज फैक्टर ऑफ p एंड p स्क्वायर, दोनों का है, p स्क्वायर एंड p का। क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि 2 यहां पे फैक्टर हो गया किसका, p स्क्वायर ऑफ p, यानी कि इसको डिवाइड कर सकता ना करके, तो इस तरह से लिख देंगे। अब आगे क्या लिखेंगे, तो आगे देखिए समझिए। अब क्या करते हैं, मानना है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है, इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। अरे यार लिखा जाओ भाई, इक्वेशन फर्स्ट लिखा दिया। उसके बाद देखिए यहां पे क्या मानना है, लेट आर इक्वल्स टू टू, क्या रखेंगे, आर इक्वल्स टू टू पी, सॉरी उल्टा P equals to 2R क्या रखेंगे, 2R रख देते हैं, ठीक है, P equals to 2R। अगर 5 रहता तो 5R लिख देते, 7 रहता तो 7R लिख देते, लिखते कि नहीं लिखते। अब देखो इसमें put this value in equation first, यहाँ पे मान लेते हैं। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको equation 1 मानना था, बेकार लिख दिया, यहाँ पे मानना 1 था, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, put this value इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर है कि नहीं। तो p के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे बच्चे, p के जगह पे हम लोग इस प्रकार से रख दे रहे हैं क्या, 2q स्क्वायर और p के जगह पे 2r का होल स्क्वायर। इसको करोगे तो आप 4r स्क्वायर हो जाएगा, यहां से आप 2 काट सकते हो तो यहां पे आएगा, यानी कि q स्क्वायर बराबर होगा 2r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं समझ में भी आ रहा है तो आप रट लोगे, ठीक है। अब देखो q स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये क्या कर सकता है, इधर जा सकता है, डिवाइड कर सकता है, तो यहां पे 2 कह सकते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर एंड q। तो हियर 2 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर एंड q स्क्वायर का है तो q का भी होगा। अब यहां से क्या हुआ, दो इक्वेशंस बने बच्चे, दो इक्वेशन से आपने क्या फाइंड किया, दो इक्वेशन से आपने फाइंड यही किया कि जो हमारा 2 है, क्या है, 2 है, किसका फैक्टर है, तो q का भी फैक्टर है और p का भी फैक्टर है, p और q दोनों का फैक्टर है। और जब दोनों का जब फैक्टर हो गया तो हमारा जो सपोजिशन था, लेट जो सपोज किए थे वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पे हमने यही लिखा है कि यहां पे लिखेंगे हेयर वी फाइंड दैट 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, दिस इज कंट्राडिक्शन मतलब जो गलत है। सो आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, हमारा सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कौन सा सपोजिशन, हम लोग माने थे इसको क्या जी, रेशनल। तो रेशनल अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हम लोग यहां से लास्ट में लिख सकते हैं कि हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर्स। ये हो गया आपका प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड। स्माइल करो, समझ में आ गया बच्चे। यानी कि हम लोग जब भी
रूट के अंदर कोई भी रहेगा, रूट टू, रूट फाइव, रूट सेवन, ये सब जो भी रहेगा, तो उन सब को हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट लिखना है आपको, इसको मान लेना है रेशनल नंबर्स, उसके बाद उसको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, उसके बाद आपको यह दिखा देना है कि ये फैक्टर है पी स्क्वायर का भी और क्यू का भी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज कर देना है, इसको 2r मान लेना है। अगर यहाँ पे 5 रहता तो हम लोग क्या लिखते, इसके जगह पे हम लोग लिखते 5r लिखते, 7 रहता तो इसके जगह पे हम लोग 7r लिखते, और बाकी सब मल्टीप्लाई वगैरह करके यहाँ पे ला करके देख लेते। अब यहाँ पे भी बोल देते कि यहाँ पे जैसे 2 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा या 7 हो जाएगा, कि ये फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स है, किसका किसका, पी का भी और क्यू स्क्वायर। ठीक है, और इस कारण से कंट्राडिक्शन है, दिस इज आवर रॉन्ग सपोजिशंस, सो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ इरेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। समझ में आ गया बात, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना, एक बार लिख के, एक बार या दो बार, जितना भी हो सकता है अपने बुद्धि के हिसाब से आप अपना देख सकते हो। और इससे सवाल आते हैं, 3 नंबर का पक्का आएगा, 3 या तो 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो 3 या 5 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा अगर इसको सिर्फ कर लेते हो तो, आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रूट, जो रूट के अंदर जो भी नंबर्स रहते हैं उसको कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।